देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंच बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम मोदी विजयघाट पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि दी। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे और बापू को पुष्प अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आज महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्हें भारत की उस वक्त की स्थिति ने काफ़ी प्रभावित किया, जिसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत से अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। महात्मा गांधी ने 1906 में ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नमक सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल मार्च निकाला। गांधी जी ने दलित आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई आंदोलन भी चलाए।